एंड वेलकम टू माय चैनल। यस बाय माय थंबनेल आप लोग अब तक पता चल ही गया होगा कि हम आज आप लोगों को कैसे घर पे रेस्टोरेंट वाला जूसी मोमो चिकन मोमो बनाने का रेसिपी सिखाएंगे। सो उसके लिए प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एंड तक देखिएगा। सो फ्रेंड्स अब ओनियन काटनी है, सो तो वो काम मैं कर सकती हूँ, सो आई विल डू इट। सो देखते रहिए कैसे हम काटते हैं। और हम लोग के पास और एक एकदम सिंपल वे में हम लोग इतना जल्दी वे में ओनियन को हम चॉप करके दिखाएंगे आप लोगों को। सो हम लोग इसको डिनर के रूप में खाने वाले हैं, तो इसलिए हम लोग को बनाना पड़ेगा थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में। सो आई हैव टेकन मेनी ओनियन, सो लेट मी काउंट। आई हैव टेकन 10। होने के बाद मोमो पकाना एकदम इजी हो गया, क्योंकि ये एक इन सम मिनट्स ये जो प्याज है इसको एकदम चॉप करके दे देते। खत्म हो गया आपका जो उस टाइम जितना भी ओनियन दिखाया था हमने सारे को ये मशीन ने चॉप कर लिया है। सो आफ्टर चॉपिंग हम लोग का ओनियन ऐसा दिखना चाहिए। और उसके बाद यहाँ हो रहा है चिकन का कीमा बना रहे हैं, छोटे छोटे पीसेस में इसको काट रहे हैं। फ्रेंड्स अब मोमो के साथ हम लोग चटनी खा सकते हैं, अचार बोलते हैं हम लोग नेपाली में। तो अचार हम लोग टू टाइप्स में बनाते हैं, जैसे एक तो उबाल के, जैसे अभी मैं कर रही हूँ उबाल के इसको टोमेटोस को, इसको मम्मी फिर मिक्सी में डालेगी, उसके साथ डल्ले भी लगाएगी। आई डोंट नो हाउ मेनी डल्लेस, बट इसमें डल्ले लगाएंगे और एक दो पीस गार्लिक का लगा देंगे शायद से। और दूसरा तरीका है कि आप इसको टमाटर को फ्राई करके भी और चिलीज को फ्राई करके भी बना सकते हैं, उसमें बादाम वगैरह यूज़ करके। तो अभी मैंने इसको गैस पे चढ़ा दिया है, सिम में इसको उबालने के लिए छोड़। सो अभी भाभी बना रही है चिकन कीमा, और यहाँ पे हम लोग ने जिंजर डाला है, अजीनोमोटो नहीं डाला है। सो एकदम हेल्दी मोमो बना रहे हम लोग। सो अभी हम लोगों को और एक मेन काम करना है, हम लोगों को मैदा को सिर्फ पानी से इसको कर सकते हैं, या फिर आप और सॉफ्ट बनाना चाहते हैं तो इसमें आप यूज़ कर सकते हैं थोड़ा सा रिफाइंड, और थोड़ा सा नमक भी डालते हैं कोई जगह में, लेकिन हम लोग नमक नहीं यूज़ करते, सिर्फ पानी और मैदा को मम्मी इसका डो बना रही है। तो इसको एकदम फोर्स यूज़ करके इसको डो बनाना है, थोड़ा टाइट ही रखना है क्योंकि थोड़ी देर बाद इसको बनाएंगे तो ये ज़्यादा गीला होने से आपको मोमो का जो ये रोटी होता है वो अच्छी तरह से नहीं बन पाएगा। गाइस हमारा टोमेटो रेडी है, बॉइल्ड हो चुका है, इतना ज़्यादा बॉइल भी नहीं करना है, इतना तक ठीक, इतना तक रखना है। और यहाँ पे हम लोग का कीमा फिलिंग्स, मोमो का फिलिंग्स भी रेडी हो गया है। अब आपको क्या करना है कि जो मैदा आपने रखा है उसको इतना छोटा छोटा बॉल्स में उसको डिवाइड करना है। सो ये चिकन मोमो है इसलिए ये रोटी को थोड़ा मोटा ही रखना है, उतना पतला नहीं करना है। सो फ्रेंड्स अब आपके लिए भाभी एक बना के दिखाएंगे सैंपल कि कैसे बनाना है मोमो। सो पहले आपको ये रोटी लेना है, उसके अंदर आपको ये जो फिलिंग है ये 1 स्पून लेना है, और जो कीमा बोलते हैं उसको लेना है, और इसके बाद ऐसे कुची बनाना है, कुची मतलब ऐसे डिजाइन देना है, और इसको जो ऊपर का ये जो लाइन बनेगा उसको आपको ऐसे प्रेस करना है। सो ये तो था फर्स्ट वाला डिज़ाइन, ये सेकेंड डिज़ाइन भी भाभी करके दिखा रहे हैं आप लोगों को। ये इसको टाइपो स्टाइल भी बोलते हैं, मतलब इसको गोल शेप दिया जाता है। तो इसका जो बनाने का प्रोसेस है, मतलब डिज़ाइन बनाने का जो प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, लेकिन नॉट सो हार्ड, इसको भी आप लोग सीख सकते हैं। सो देखिए अच्छी तरह से भाभी कैसे बना रहे हैं सभी। और अभी हम लोग का तीनों सेट में हम लोग ने ऐसे इसको अरेंज करके रख दिया है। अब ये वाला कंटेनर में पानी भर के इसको गैस में रख देंगे, पहले पानी को उबाल थोड़ा उबलने देंगे, उसके बाद फिर ये तीनों सेट को हम लोग रखेंगे। और चिकन का है तो कितने मिनट रखने, 20 मिनट्स इसको रखने के बाद हम लोग इसको निकालेंगे।
सो फ्रेंड्स अभी यहाँ पे मेरी मम्मी ने अचार बना के फिनिश कर लिया है, तो ये सब हमारा ट्रेडिशनल वे में बना रहे हैं। हम तो सोचे थे मिक्सी में बनाएंगी मम्मी, लेकिन मम्मी ने ये मम्मी को ये इसी में मतलब इसमें मिक्सी में बनाया हुआ से टेस्टी इसमें बनता है। सो टेस्ट के लिए मम्मी ने इसमें बनाया है। वाओ यम्मी, कितना अच्छा कलर दिख रहा है, रेड ऑरेंज ऑरेंज रेड, खतर पीरो भर है, बहुत झाल हुआ होगा शायद। तो आप लोगों को ये चटनी हम दिखाएंगे मोमो के साथ, टेस्ट करके कैसे हो। और उसके बाद हम लोग बैठेंगे खाने के लिए, खाएंगे मोमो। सो पकने के बाद दिखाएंगे आप लोगों को कैसा बनेगा। सो अभी हम लोग मोमो को जो ऊपर वाला है उसको नीचे डाल रहे, देखिए पानी कितना बॉइल्ड है, बहुत मतलब आग बहुत हाई में रखा है हम लोग ने, और जो ऊपर वाला था उसको हमने नीचे डाला है और नीचे वाले को ऊपर किया। ऐसे वो करना पड़ेगा हम लोग को, एक्सचेंज करना ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि पड़ता है क्योंकि ताकि ये सब अच्छी तरह से पक जाए, नहीं तो क्या हो जाएगा हम लोग का आधा कच्चा हो जाएगा आधा पक जाएगा। सो नाउ आफ्टर 10 मिनट्स आवर मोमो विल बी रेडी टू सर्व। सो गाइस हम लोग का मोमो रेडी हो गया पक के। सो अब मम्मी सर्व करने वाले हैं, पापा के लिए तो आटा के मोमो है और हम लोग के लिए मैदा का। सो अब सर्व करेंगे, उसके बाद हम लोग भी खाएंगे, तो आपको दिखाएंगे कि कैसे होने वाला है मोमो, जूसी हुआ है कि नहीं। तो देखिए हम लोग ने यहाँ पे रिफाइन यूज़ किया था, रिफाइन ऑयल ये प्लेट में ये जो सेट है उसके अंदर। सो अभी जो जब निकाल रही है मम्मी तो इतना चिपक नहीं रही है। आज मोमो बना है 3 सेट, तो बड़ा बड़ा साइज में बनाया हम लोग ने, ताकि क्योंकि फैमिली जल्दी भी होगा बड़ा साइज में, तो घर पे ही खाना है इसलिए बड़ा बड़ा साइज में बनाया। तो बना है हम लोगों का टोटल 100 एक ज़्यादा हुआ था 100 मोमोज अप्रॉक्स बना है। और हम लोग ने यूज़ किया था 3 पावर आई थिंक, हाफ के जी से ज़्यादा है मैदा, फिर 700 ग्राम का चिकन और 700 ग्राम ओनियन। तो हम इतना बनाया है, तो अब आपको खा के दिखाएंगे। तो ये रहा मेरा प्लेट सर्व हो गया, और यहाँ पे है चटनी, मुंह में पानी आ गया। फ्रेंड्स खा रहे हैं, मुंह में पानी आ गया। जूसी बना। टेस्टी बना है फ्रेंड्स, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये जो जो रेसिपी जो जो इंग्रेडिएंट्स मैंने बोला है सिर्फ उसी स्टेप में कीजिए, विदाउट अजीनामोटो भी बहुत टेस्टी बना है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं हेल्दी मोमो एट होम। सो आज के ब्लॉग में इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, ट्राई दिस। सो अब हम लोग सब डिनर कर रहे हैं मोमो डिनर। डल्ली भी, अब पापा का तो खत्म होने वाला है वो मेरा, आज डल्ली भी मोमो खाएगी, दो ही दिए बेचारा।